हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियाज मल्टीपल क्रिएटिविटी। आज मैं आप लोगों को वॉल पुट्टी से ही खूबसूरत सी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति आप लोगों को बनाकर दिखाने वाली हूँ। साथ ही से डेकोरेट करना भी सिखाऊंगी आप लोगों को। तो यदि मेरी वीडियो जरा भी आप लोगों को पसंद आए और इसमें जरा भी आप लोगों को मेहनत दिखे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मिट्टी से तो लोग मूर्तियाँ बना लेते हैं, लेकिन वॉल पुट्टी से बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है फ्रेंड्स। और इस मूर्ति को बनाने में मुझे काफ़ी दिन भी लगा है, लेकिन मैं एक साथ दो तीन मूर्तियाँ बनाती हूँ ताकि मैं टाइम पे आप लोगों के लिए वीडियो को अपलोड कर पाऊँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं वॉल पुट्टी से बनने वाली बैक टू बैक लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ आप लोगों के लिए लेकर के आने वाली हूँ। तो चलिए बिना देर किए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थर्माकोल का टुकड़ा लेंगे, जिनकी लंबाई चौड़ाई आप लोगों को थर्माकोल के ऊपर मेंशन की गई है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और इन सभी थर्माकोल को हमें आपस में स्टिक करना है, तो उसके लिए पहले थर्माकोल में पानी लगाएंगे और वॉल पुट्टी का डो चिपका करके इन सभी को हमें आपस में चिपका लेना है। तो छोटे वाले थर्माकोल को बड़े वाले थर्माकोल के ऊपर जैसे सोफा होता है उसी प्रकार से स्टिक कर लेना है। अब थर्माकोल के ऊपर पानी लगाएंगे और वॉल पुट्टी की पतली पतली लेयर चारों तरफ से हम इसमें लगा लेंगे। वॉल पुट्टी को चारों साइड से लगा लेने के बाद इसके बीच में हमें एक बैम्बो स्टिक लगा लेना है। आप इसकी जगह पे खाली पेन को भी लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए, मैंने एक और बना लिया है फ्रेंड्स, और नीचे से भी मैंने वॉल पुट्टी का डो लगा लिया है। और हम लकड़ी के ऊपर वॉल पुट्टी लगा लेंगे और इसमें से एक को हम लक्ष्मी माता का बॉडी स्ट्रक्चर बनाएंगे एल्युमिनियम फॉइल की मदद से, और एक गणेश जी की बॉडी बनाएंगे। तो देखिए आप फ्रेंड्स, वीडियो में कैसे मैं बना रही हूँ उसी प्रकार से आप लोग को बनाना है। दो पतली पतली एल्युमिनियम की कॉयल लगा देना है इसमें पैर बनाने के लिए, पानी लगाना है और पतला पतला सा वॉल पुट्टी का डो इसके ऊपर स्टिक कर लेना है। तो पहले हम पैरों में लगाएंगे और उसके बाद हम बॉडी में लगाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, और हमें सभी को पानी लगा करके चिकना करते जाना है। इसी प्रकार से हम लक्ष्मी माता के बॉडी में भी लगा लेंगे और इसे भी हमें पानी से लगा करके चिकना कर लेना है। कभी भी आप वॉल पुट्टी की मूर्तियाँ बनाने के टाइम ध्यान रखें फ्रेंड्स कि आप एक साथ कभी भी इसमें काम नहीं कर सकते हैं। एक कोट करने के बाद आपको सूखने देना होगा, फिर से आपको दूसरा कोट करना पड़ेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लक्ष्मी और गणेश दोनों की बॉडी स्ट्रक्चर को बना लिया है। अब मैंने लक्ष्मी माता के बैक साइड में दो वायर स्टिक कर लिया है वॉल पुट्टी की मदद से। सेम इसी प्रकार से हमें गणेश जी के बैक साइड में भी दो वायर स्टिक कर लेना है और इसे भी ड्राई होने के लिए रख देना है। जैसे ही मूर्ति ड्राई हो जाए तो हमें एल्युमिनियम फॉइल को चारों हाथों में फोल्ड कर लेना है। इसी प्रकार से हमें लक्ष्मी माता के हैंड्स में भी एल्युमिनियम फॉइल को लगा लेना है और इसमें पानी लगा करके पतली पतली वॉल पुट्टी को इसमें चिपका लेना है। चारों हैंड्स में वॉल पुट्टी लगा लेने के बाद नेक में भी वॉल पुट्टी लगा लेना है फ्रेंड्स। और गणेश जी का फेस बनाने के लिए ऊपर एल्युमिनियम फॉइल लगा लेंगे और उसके ऊपर भी वॉल पुट्टी का डो लगा लेंगे फ्रेंड्स। लक्ष्मी माता के हाथ और गले में भी मैंने वॉल पुट्टी लगा लिया है और दोनों को ड्राई कर लेना है। ड्राई हो जाने के बाद हम फेस बनाएंगे गणेश जी का, तो उसके लिए वॉल पुट्टी लगाएंगे पहले। और यहाँ पे ये देखिए, मैंने सूंड बनाकर पहले ही ड्राई कर लिया था वॉल पुट्टी की मदद से, तो इसमें थोड़ा सा वॉल पुट्टी का डो लगा करके फेस में स्टिक कर लेना है और ऊपर से भी वॉल पुट्टी लगा करके ब्रश में पानी लगाकर इसे चिकना कर लेना है। अब हम गणेश जी का फेस बनाएंगे, तो फेस में सबसे पहले गाल बनाएंगे, तो गाल बना लेंगे। और अब हम गणेश जी के हैंड्स में दो अस्त्र शस्त्र देंगे, तो उसके लिए थोड़ी सी पुट्टी लगा करके मैंने वायर स्टिक उसमें वायर डाल दिया है ताकि मैं इसके ऊपर कुछ भी बना सकूं बाद में। फिर एक हाथ को आशीर्वाद देते हुए फोल्ड करेंगे और एक हाथ को लड्डू पकड़ाते हुए फोल्ड करेंगे। अब हम गणेश जी के पैर बनाएंगे, तो आप ध्यान से देखिए कि मैं कैसे बना रही हूँ। आपके पास ये क्ले टूल्स ना हो तो आप इसकी जगह पर नाइफ का यूज़ कर सकते हैं। अब हम गणेश जी की आइज बनाएंगे। आपके पास ये क्ले टूल्स ना हो फ्रेंड्स तो आप इसकी जगह पे चाकू, सुई और पेन की खाली रिफिल का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम गणेश जी के दोनों कानों को बना लेंगे, तो आप ध्यान से देखिए कि मैं कानों को कैसे बना रही हूँ, इसी प्रकार से आपको भी बना लेने हैं। कान बन जाने के बाद हम गणेश जी के दोनों अस्त्र शस्त्र को बना लेंगे और अब हम गणेश जी के मुकुट को बनाएंगे, तो मुकुट में थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेंगे। अब हम गणेश जी के मुकुट के बैक साइड में भी डिज़ाइन बना लेंगे और उसके बाद हम गणेश जी के दांतों को बना लेंगे और इसे भी हम ब्रश में पानी लगा करके चिकना कर लेंगे। आप याद रखें फ्रेंड्स कि आप जब जब
वॉल पुट्टी से कुछ भी बनाया तो उसको ब्रश में पानी लगा करके चिकना कर लीजिए, तो उससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अब हम गणेश जी की फिंगर्स लगा लेंगे। तो इन दोनों हाथों को हम फोल्ड करके बना रहे हैं, तो बस उंगली को भी हमें फोल्ड करके इसके ऊपर लगाते जाना है। तो इसी प्रकार से हमें गणेश जी के सभी फिंगर्स को बना लेना है। और अब हम लक्ष्मी माता के फिंगर्स को भी बनाएंगे। तो उसके लिए पहले तो सबसे पहले हम कमल फूल पकड़ाएंगे लक्ष्मी माता के बैक साइड के दोनों हाथों में। तो वायर को लगा करके वॉल पुट्टी उसमें लगा करके ड्राई कर लेंगे। जैसे ही ड्राई हो जाए तब हम इसमें उंगलियां बनाएंगे। अब हम लक्ष्मी माँ के पैर बना लेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा वॉल पुट्टी लगा करके चिकना कर लेंगे और इसमें उंगलियों को कट कर लेंगे। अब जैसे ही मूर्ति ड्राई हो जाए तब हम लक्ष्मी माता के दोनों बैक साइड के हैंड में कमल फूल बना लेंगे। तो अब ध्यान से देखिए कि मैंने वायर के ऊपर कैसे कमल फूल बनाया है। तो इस प्रकार से यदि आप वॉल पुट्टी में कभी भी कोई चीज़ें बनाएंगे तो वो कभी भी गिरेंगे नहीं फ्रेंड्स, खुल करके। अब इन दोनों को हमें ब्रश में पानी लगा करके चिकना कर लेना है। और अब हमें लक्ष्मी माता के फिंगर्स को बना लेने हैं। तो अब ध्यान से देखिए, पतली पतली कॉयल्स को मैं इसमें पानी की सहायता से चिपका लूँगी। और इसी प्रकार से हम पीछे से भी चिकना कर लेंगे ब्रश में पानी लगा करके, और अंगूठे को भी लगा लेंगे। तो सेम इसी प्रकार से हम लक्ष्मी माता के सारे हैंड्स को बना लेंगे फ्रेंड्स। सामने के दो हाथों में एक हाथ तो आशीर्वाद देते हुए बनाएंगे और दूसरे हाथों को कलश को पकड़ते हुए बनाएंगे। तो उसी प्रकार से हम फिंगर्स को लगा लेंगे फ्रेंड्स, और इसे भी हम ब्रश में पानी लगा करके चिकना कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने वॉल पुट्टी से पहले ही फेस बनाकर रख लिया था और मैं इसे कलर करके देख रही थी कि कैसा लगता है कलर करने के बाद। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं इसे वेस्ट नहीं कर सकती थी। तो इसी कलर वाले फेस को मैं यहाँ पे लगा लूँगी ताकि मेरा टाइम भी बचे। और वॉल पुट्टी के डो की हेल्प से हम इस फेस को फिक्स कर लेंगे और उसे भी हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। अब हम लक्ष्मी माँ के लिए कलश बनाएंगे। तो सबसे पहले वॉल पुट्टी का एक बॉल बनाएंगे और उसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। तो उसके बाद ही मैंने सारे डिटेल्स किए हैं और उसे भी हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मूर्ति ड्राई हो चुकी है और यहाँ पे कलश भी ड्राई हो चुका है। तो इस प्रकार से हम लक्ष्मी माँ के ऊपर कलश को लगाएंगे। तो मूर्ति को ड्राई होने के बाद हम सैंड पेपर की मदद से मूर्ति को चिकना कर लेंगे घिस करके, सारे डस्ट को झाड़ लेना। अब फ्लैश टिंट कलर या फिर स्किन कलर से हम लक्ष्मी माता के पूरे बॉडी और गणेश जी के बॉडी को कलर कर लेंगे। नीचे के सोफे को स्काई ब्लू कलर से कलर कर लेंगे। अब लक्ष्मी माता के ब्लाउज को ग्रीन कलर से कलर कर लेंगे। बैक साइड से भी हमें कलर कर लेना है। और हम गणेश जी की आईज बनाएंगे। तो सबसे पहले व्हाइट कलर से आंखों के अंदर कलर करेंगे और इसी व्हाइट कलर से गणेश जी के दांत और लक्ष्मी माता के बिंदी के साइड में डॉट डॉट बना लेंगे। और ब्लैक कलर से गणेश जी के आईज को बना लेंगे और आईब्रो भी बना लेंगे। और पिंक कलर से लक्ष्मी माता के दोनों हाथों के कमल को कलर कर लेंगे। और येलो कलर से गणेश जी के लड्डू को कलर कर लेने के बाद उसमें रेड कलर से डॉट डॉट बना लेंगे। और इसी रेड कलर से गणेश जी के उंगलियों में कलर कर लेंगे। इसी प्रकार से हम पैरों की उंगलियों में भी कलर कर लेंगे। और सेम हम लक्ष्मी माता के हैंड्स में भी कलर कर लेंगे। तो सारी उंगलियों को पहले रेड कर लेंगे और पैरों में भी हम रेड कलर से कलर कर लेंगे। अब गणेश जी के कान को हम लाइट पिंक कलर से कलर करेंगे और सूंड में भी लाइट पिंक कलर से कलर कर लेंगे। और गोल्डन कलर से गणेश जी के अस्त्र शस्त्र और मुकुट को कलर कर लेंगे। और ये जो लक्ष्मी माता के कलश हैं उनको भी हम गोल्डन कलर से कलर कर लेंगे। अब हम गणेश जी को कपड़े पहनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर का कपड़ा लिया है, उसमें गोल्डन कलर के लेस को लगा करके उसमें प्लीट्स बना लेंगे और ग्लू गन की सहायता से पहले सामने चिपकाएंगे और एक कोने को पकड़ करके पीछे से स्टिक कर लेंगे। और अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, साइड साइड से मैं लैस को भी लगा रही हूँ और कमर के पास भी मैंने एक लैस लगाया है। और एक इसी प्रकार से मैंने एक दुपट्टा बना लिया है और गणेश जी के कंधे में मैंने दे दिया है और एक
स्टोन का गोटा मैंने इसके ऊपर लगा लिया है। और इसी प्रकार से हम लक्ष्मी माता को भी साड़ी पहनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पिंक कलर के कपड़े में लेस लगा करके उसे साड़ी जैसा बना लिया है। और अब मैं कमर के साइड से इसमें लेस लगा लूँगी और एक छोटा सा पल्लू जिसमें मैंने दोनों साइड से गोल्डन लेस को लगा करके इसे लक्ष्मी माँ के कंधे पर रख लेंगे। और बैक साइड से भी एक आँचल लगा लेंगे और उसे साइड से इस प्रकार से कर लेंगे और उसे भी स्टिक कर लेंगे। ताकि अब लक्ष्मी माता के चारों हैंड्स में स्टोन लेस को स्टिक कर लेंगे। और इसी स्टोन लेस को हम इस प्रकार से कट करके इनके नेकलेस को बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम ग्लू गन लगा करके गले में इसे पहना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब हम लक्ष्मी माता के बाल लगा लेंगे। तो पहले बाल को बैक साइड से लगाएंगे, उसके बाद फ्रंट साइड से लगा लेने के बाद बाल को अच्छे से सेट कर लेना है। सेट कर लेने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये मुकुट पहले ही बना कर रख लिया है, उसे भी ग्लू गन की सहायता से स्टिक कर लेंगे। और एक छोटा सा मांग टीका लक्ष्मी माता के मांग में लगा लेंगे और इयररिंग्स को भी लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने कलश को भी थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया था और उसे भी लक्ष्मी माता के हैंड्स में स्टिक कर लेंगे। अब हम गणेश जी को डेकोरेट करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्टोन लेस और बॉल चैन की मदद से गणेश जी के सूंड को डेकोरेट किया है और गोल्डन वायर में गोल्डन बीट्स को ऐड करके इनके इयररिंग्स बना लिए हैं और कुछ बॉल चैन को मैंने इनके कान में चिपका लिए हैं। और इसी प्रकार से हम मुकुट में भी राउंड शेप कुंदन चिपका लेंगे और सेम वही नेकलेस जो हमने लक्ष्मी माता के लिए बनाए थे उसी को हमने यहाँ पे गणेश जी को पहना लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मूर्ति का फाइनल लुक लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आप लोग को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और यदि अभी तक आप मेरी वीडियो पर बने हुए हैं और मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। और यदि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई भी ऐसा है जिसे मूर्ति बनाना पसंद हो और तो प्लीज़ मेरे वीडियो को उनके पास शेयर कीजिएगा ताकि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। और हाँ फ्रेंड्स, जब भी आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो उसी वक्त बगल में आपको एक घंटी का ऑप्शन दिखेगा तो उसे भी आपको प्रेस कर लेना है ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।